So welcome back everybody. We are doing solution and this is lecture number 3. दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, और बहुत मस्त मस्त चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है इस चैप्टर में, ठीक है. एज यूजल हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12 का आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, और खास करके आपके एमयू ट्रिपल एग्जाम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन भी रेगुलरली पूछे जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट सेशन एक कवर भी करता है, ठीक है. एज यूजल दिस लेक्चर इज इनफ फॉर जेई नीट एंड एज वेल एज योर एमयू ट्रिपल जो आप 2024 में अपियर होने वाले हैं. एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल अगेन, दिस इज लेक्चर नंबर 3. और बिफोर मूविंग टू आवर मेन कंटेंट, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ उपाध्याय. आई एम योर एमयू ट्रिपल केमिस्ट्री एजुकेटर एंड ऑल्सो आई एम अ जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड एज वेल एज आई एम परसुइंग बी टेक फ्रॉम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दैट इज IIT लखनऊ, ठीक है. सो दिस इज माई बेसिक इंट्रोडक्शन. तो आगे बढ़ते हैं और ये लेक्चर नंबर 1 का कंटेंट है जो अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है. ये सब हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है. जो जिनका छूटा हुआ है चाहे प्रीवियस लेक्चर देख ले, ठीक है. अभी आज अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये लेक्चर देखने के बाद देखें, ठीक है. कवर अप जरूर हो जाएगा, दो लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर. ये सब कंटेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है. कल के लेक्चर में क्या हुआ था, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. यहाँ से बेसिकली शुरुआत हुआ था हमारा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट समझा था, फिर डिफाइन किया था बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज. और मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है. क्यों भाई? क्योंकि उससे एग्जाम ओरिएंटेशन मतलब बहुत स्ट्रिक्टली पूछा जाता है इन सब चीजों से, डायरेक्टली, कोई इधर उधर की चीजें नहीं, सीधे पूछी जाती है. अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप आसानी से डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चंस को. उसके बाद हमने फिर कंसंट्रेशन टर्म की तरफ आगे बढ़े थे हम, और इसके अंदर हमने कंसंट्रेशन टर्म को देखा था. अभी हमने तीन कंसंट्रेशन टर्म बहुत अच्छे से बहुत ढंग से हमने कर लिया था, जिसमें हमने परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन टर्म देखा था जो था मास बाई मास या फिर वेट बाई वेट, है ना, फिर मास बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है. तो यहाँ तक आई थॉट सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है. और जिनका ये सब छूटा है प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है. तो थोड़ा एंगेजमेंट चेक कर लिया जाए, फिर शुरू करते हैं क्लास को अपनी. वेरी गुड, बच्चे तो आ गए, ठीक है. तो शुरुआत करेंगे आज की हमारी क्लास की. और बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म, और ये जो है वो फाइनल लेक्चर होने वाला है कंसंट्रेशन टर्म पे, ठीक है. खत्म हो जाएगा आज कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है. और उसके बाद हम फिर फर्दर थर्ड पार्ट की तरफ अपने आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में. इस चैप्टर को मैंने बेसिकली दो तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाने का सोचा था, है ना. तो पहला पार्ट हमने जिसमें हमने वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ समझा, सेकंड पार्ट जो अभी चल रहा है, एंड थर्ड पार्ट जो कि थोड़ा लेंदी होगा जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह भी सब कुछ कवर होगा, ठीक है. राउल्ट्स लॉ पे हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद, देखते हैं. अगर आज राउल्ट्स लॉ शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. फिलहाल हम अभी कहाँ हैं, कंसंट्रेशन टर्म पे. हमने पिछले लेक्चर में ये सब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था. अब कंसंट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आगे आती है जो है मोल फ्रैक्शन. तो आज के लेक्चर की शुरुआत होगी मोल फ्रैक्शन से. अच्छा, क्या सबने मोल फ्रैक्शन के बारे में सुन रखा है? ठीक है, सबने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है. जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, अभी समझ लो, ठीक है. अगर भूल गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो इस टॉपिक का नाम ही है मोल फ्रैक्शन. मतलब बेसिक सी चीज ये है कि सर इसमें पक्का मोल की बातें होंगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है. अच्छा, शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सबने पढ़ा है, बिल्कुल सर. कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? एक तो सर सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. हाँ ठीक है, बेसिक सी चीज है, सबने पढ़ा है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है. अभी मान लो कि मैं तुमसे कहूँ कि मोल फ्रैक्शन निकालो, और जनरली मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर बेसिकली या फिर कंसंट्रेशन टर्म आप जब भी देखेंगे तो जनरली मोल फ्रैक्शन जो होगा वो आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देता है. मतलब अगर एग्जाम्स में सवाल पूछे जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ही पूछता है, ठीक है. तो एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक है सॉल्यूट एक है सॉल्वेंट. तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे मोल फ्रैक्शन समझाओ इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब अगर मेरे को सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन समझना है तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, पहले वो समझेंगे, फिर हम बारी बारी से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है. तो मैंने क्या बताया कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, ठीक है सर जी. अब मान लो कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि सॉल्यूट का कुछ मोल है, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ गिवन है, ठीक है, और यहां मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख देता हूं. मतलब एक सोल्यूशन को बनाने में मान लो कुछ मोल हमने सॉल्यूट लिया तो उसके मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं यहां लिखता हूं, और कुछ मोल हमने सॉल्वेंट का लिया तो मोल ऑफ सॉल्वेंट को मैं यहां लिखता हूं. अब मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा ना, सो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, एक सिंबल होता है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है, उसको उसको पढ़ते हैं जाई. जाई नाम का एक सिंबल होता है जिसको ऐसे बड़ा सा एक्स बना के डिनोट करते हैं. तो इस बड़े से एक्स को, ये जो सिंबल है, दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ डिनोशन फॉर मोल फ्रैक्शन. तो अगर मैं तुमसे कहूं कि जरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मुझे बताओ,
तो कितने सिंपल चीज होगी, ध्यान से देखो। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछूं, सो ये बेसिकली होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके कहने का मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्यूट है उसको मैं बी से डिनोट करता हूं, और अगर हमारा सॉल्वेंट है उसको ए से डिनोट करता हूं। मतलब एक सॉल्यूशन में ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है। अब सवाल यह है कि सर बी सॉल्यूट को क्यों किया? क्योंकि देखो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी आप बी टर्म देखोगे ना, सो सॉल्यूट के लिए इस पूरे चैप्टर में हम बी को ही मान के चलेंगे। मतलब जब भी सॉल्यूट का नाम आएगा हम वहां बी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब सॉल्यूशन जब भी पढ़ा जाता है ना, ये एक समझ लो कन्वेंशन होता है। तो इस कन्वेंशन में हमेशा हम सॉल्यूट को, सॉरी लाइट चली गई आज वापस से, कोई बात नहीं। तो इस कन्वेंशन में हम हमेशा क्या करते हैं, सॉल्यूट को बी मान के चलते हैं और सॉल्वेंट को ए मान के चलते हैं। तो लेट्स से मैं बोला कि सॉल्यूट जो है वो बी है और सॉल्वेंट है वो ए है। तो अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन बी का निकालूं तो उसका सिंबल क्या है? जाई, बड़ा सा एक्स, है ना, बड़ा सा एक्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लेट्स से मैं कहता हूं एन बी। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में तो सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट मीन सिंपल सी बात है, अगर इसी चीज को मैं यहां लिख दूं, मतलब अगर मैं साई बी पूछता हूं, साई बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछता हूं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहां एन बी क्या है, ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन ए क्या है सर? एन ए है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लाइट आ गई। एन ए क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और सिंपल चीज है, एन ए प्लस एन बी क्या है? एन ए प्लस एन बी क्या है? बहुत सिंपल सर, टोटल मोल है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है। देखिए क्या पता लगा, मोल फ्रैक्शन एक ऐसा रेशियो है जिसमें हम एक कंपोनेंट का मोल निकालते हैं किसी मिक्सचर, मान लो कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की मान लो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें एक कंपोनेंट का, जब भी हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट का मिक्सचर लेते हैं और उसमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल से उसको डिवाइड करते हैं। मतलब रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मतलब किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन अगर मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो, सिंपल सी चीज है, क्या लिखूंगा? उस सॉल्यूट का पहले नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और नीचे टोटल मोल्स किसका, सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, इसीलिए मैंने क्या किया, एन ए प्लस एन बी, मतलब टोटल मोल सॉल्यूशन में कितने हैं। आई थॉट मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है मोल फ्रैक्शन? जब लाइट चली जाए तो अपने राउंड वाली स्क्रीन हटा ली। अरे यार समय लगता है वो सब करने में, ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये बताओ, मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया कि मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन बेसिकली एक रेशियो है। मतलब कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, तो उस कंपोनेंट का मोल ऊपर रख लेंगे अपॉन सॉल्यूशन का मोल नीचे रख लेंगे। नीचे हमेशा टोटल मोल ही होगा पूरे सॉल्यूशन का। सबको क्लियर है? एक से नहीं, सबसे पूछ रहा हूं, सब बताओ, क्या सबको ये चीज क्लियर है? तो लिख लिया जाए ऊपर, आइए लिख लिया जाए मोल फ्रैक्शन क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कहिए या सॉल्यूशन कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ ए मिक्सचर टू डी टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। अब कितनी सिंपल सी बात है, क्या बात है सर, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल का जो यूनिट होगा वही नीचे भी मोल का यूनिट होगा। तो मोल के ऊपर वाले यूनिट से मोल के नीचे वाली यूनिट कट जाएगी। इट मीन सर मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी।
यानी इसके लिए आपको कोई यूनिट की जरूरत नहीं है। जैसे अब देखो एक और चीज मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मान लो कि कोई सोल्यूशन है ठीक है, जिसमें जो कि ए और बी दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, तो अगर मैं तुमसे जाई ए पूछूंगा तो क्या करोगे? सिंपल है सर, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है सर, बहुत सही। सिमिलरली मैं तुमसे पूछ दूं जाई बी, मतलब मैं तुमसे पूछ दूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, तो आप कंफ्यूज नहीं होने का। देखो मोल फ्रैक्शन है ए तो ऊपर कितना लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो कुछ नहीं करना है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर ले लेंगे और नीचे एन ए प्लस एन बी ही रहेगा हमेशा, जहां एन ए और एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर जाई ए पूछे तो ऊपर एन ए हो जाएगा, अगर जाई बी पूछे तो ऊपर एन बी हो जाएगा, इसलिए ए और बी दोनों के टर्म में मैं तुमको समझा दिया। क्लियर, क्लियर है? और ये भी लिख लो, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्लियर है? चेक करते आइए, समझ आया मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, समझ आया? समझ आया? अगर मजा आया तो बोलो ये सर मजा आया। अरे हाँ भाई, कर सकते हैं, कर सकते हैं, रुक जाओ, आते हैं उस पे, आते हैं, चिंता ना करो, टेंशन ना लो। अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताता हूं क्या है भाई। अगर मान लो मेरे को सर सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या दे, तो मतलब मान लो कि मैं इसको यहां लिखता हूं कि मान लो मेरे को बोल दे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, अब ये पूछ दे तो सर इसको आप एक डायरेक्ट रिलेशन की तरह आज से याद रखेंगे। मैं आपको समझा देता हूं, डिराइव भी कर देता हूं, लेकिन आप डायरेक्ट रिलेशन की तरह इसको याद रखेंगे। क्या बोला मैंने कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। अब एक चीज लिखूंगा आगे, क्या लिखूंगा, इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू वन। क्या लिखा मैंने, एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, बहुत सुंदर से स्टेटमेंट लिखी है। क्या लिखा है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू वन। क्योंकि है सच में, क्या मतलब कि कितना भी कोई कैसा भी मिक्सचर ले ले उसका हमेशा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी जितने भी कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है, अगर बोलूं कि एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है, तो इस पूरे स्टेटमेंट के कहने का मतलब क्या है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू वन। है मतलब, कहने का मतलब कि जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू वन होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और ये हमेशा ट्रू है। इसीलिए आप इसको एज अ डायरेक्ट रिलेशन आज से याद रखेंगे। मतलब जाई ए और जाई बी अगर किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, कौन सा, ए एंड बी, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकाल के और जब मैं जोड़ूंगा ना तो वो हमेशा वन के बराबर आएगा। अभी ये बताओ मेरे को समझ आया है तो मुझे ये बताओ कि समझना है, देखना है, सीखना है कि कैसे आया सर, या फिर डायरेक्ट याद करके चलूं आगे, बताओ तुम लोग, बताओ, तुम्हें से पूछता हूं, समझाऊं या दिखाऊं कि कैसे वन के बराबर होगा, देखना चाहते हो, देखना चाहते हो कि सर कैसे वन के बराबर होगा? सिंपल चीज है, दो तीन लाइन का टर्म है, या फिर आगे ऐसा डायरेक्ट याद करा के आगे बढ़ा दो, बोलो। चलो आओ, क्या पूछना है तुम लोगों को, करा ही देता हूं। देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने, जाई ए प्लस जाई बी, ज्यादा समय नहीं लेते हो, जल्दी करते हैं। जाई ए प्लस जाई बी वन होता है। अच्छा, जाई ए क्या होता है, जाई ए होता है, ये बड़ा था, ठीक है, जाई ए होता है सर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है बेटा। जाई बी क्या होता है, जाई बी होता है सर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब मैंने क्या बोला कि जरा दोनों को सम करो तो दोनों का सम वन के बराबर होगा, तो जाई ए प्लस जाई बी इट मीन्स एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब दोनों का एलसीएम क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी, और ऊपर भी देखो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये कट के वन हो जाएगा। इट मीन्स कि जब आप जाई ए प्लस जाई बी किए तो वो तो वन के बराबर आ गया सर, ये कट के वन नहीं हो जाएगा। देखो ऊपर भी एन ए प्लस एन बी, नीचे भी एन प्लस एन बी, ओ हो, इट मीन्स
जाई ए प्लस जाई बी इक्वल्स टू वन, मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेट इज इक्वल्स टू वन। अब अगर ये आपको डायरेक्ट पता है ना, और मान लो किसी सवाल में आपको जाई ए पता है और डायरेक्टली पूछे कि जाई बी, तो बार बार आप ये नहीं करने जाएंगे एन बी अपन एन ए प्लस एन बी, सीधा अगर आपको जाई ए पता है तो जाई बी का डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, वन माइनस जाई ए कर दीजिए, सिंपल है। तो ये भी अटर क्लेश याद कर सकते हो, कितने सारे क्लेश बन गए बताओ। दिस इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन, क्लियर? दिस इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन। कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को? क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है? चलिए 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 चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब एक और चीज थोड़ा याद रख लो, कई बार मोल परसेंटेज पूछ देता है, कई बार मतलब मोल परसेंटेज को ऐसे लिख लो, मोल फ्रैक्शन परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होता है ये समझ लो। कुछ नहीं, सिंपल सा रिलेशन है। हमेशा कभी भी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज आपसे दिया हो या फिर सवाल में कभी पूछे कि फाइंड आउट मोल परसेंट, मोल फ्रैक्शन परसेंटेज, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना किसको, मोल फ्रैक्शन को। सिंपल है, ये रिलेशन है आपका मोल फ्रैक्शन परसेंटेज का, क्या 100 इंटू मोल फ्रैक्शन, बस एक डायरेक्ट रिलेशन याद रख लीजिए, ठीक है? तो मान लो अगर मोल फ्रैक्शन 0.2 आया और पूछे मोल फ्रैक्शन परसेंटेज, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन परसेंटेज निकल जाएगी उसकी, ठीक है? सिंपल है, खुद भी सोच सकते थे। अच्छा एक और चीज, अगर यही चीज गैसेस के लिए पूछे तो, फॉर गैसेस, तो मैंने आपको क्या बताया था, याद है पहला लेक्चर जब मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने बताया था कि गैसेस के लिए जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाता है। अरे यार देखो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अब अगर मैं कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ले लूं, तो आर तो वैसे ही क्या है, गैस कॉन्स्टेंट होता है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ही हो गया, इट मींस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन, यानी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर गैसेस अगर मेरे से वॉल्यूम परसेंट पूछ ले तो भी क्या होगा, अरे वॉल्यूम परसेंट हमेशा मोल फ्रैक्शन परसेंट के बराबर ही होगा, ठीक है? तो जितना मोल फ्रैक्शन परसेंट उतना ही वॉल्यूम परसेंट। हाँ बस कंडीशन याद रखना कि कॉन्स्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि तभी अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, तो प्रेशर को कॉन्स्टेंट करो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दो, तो तुम्हारा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, एन के बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब जितना मोल फ्रैक्शन परसेंटेज उतना ही वॉल्यूम परसेंटेज। इसीलिए कभी कभी दिमाग में घुमा के कभी कभी एग्जामिनर ये चीज पूछ देता है कि मोल फ्रैक्शन परसेंटेज पहले निकलवा लेगा, फिर बोलेगा फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन परसेंटेज एज वेल एज वॉल्यूम परसेंटेज, तो मोल फ्रैक्शन परसेंटेज ही वॉल्यूम परसेंटेज होगा, कंडीशन दे देगा वो हमेशा आपको कि कॉन्स्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर है। क्लियर? अब तो एक्सप्रेशन समझ आया, अब तो एक्सप्लेनेशन समझ आया कि कैसे गैसेस के लिए वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाता है, V इक्वल्स टू N। बोलो फटाक से, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए ये हो गई हमारी टर्मिनोलॉजी खत्म, मोल फ्रैक्शन कंप्लीट, सब कुछ डिटेल्ड में। आगे आगे बढ़े तो हमने पाया मोलारिटी, दो और बचाए, मोलारिटी और मोलारिटी, ठीक है? उसके बाद हम, अगर आज मोलारिटी मोलारिटी कंप्लीट कंप्लीट खत्म हो जाता है, फिर हम आज ही राउल्स लॉ का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, ठीक है? फिर फर्दर अगर समय बचेगा तो आज ही कर लेंगे, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हम जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है मोलारिटी। अब मोलारिटी शब्द का मतलब क्या है समझो, मोलारिटी को सबसे पहले डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलारिटी, ठीक है? क्या होता है मोलारिटी समझो, देखो मोलारिटी भी बेसिकली कुछ नहीं, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा, मास बाय मास परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, बिल्कुल वैसे ही सेम चीज यहां भी समझेंगे। मोलारिटी एक ऐसा कंसिस्टेंट टर्म है जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करते हैं। अब मोलारिटी क्या होती है समझ लो पहले, देखो मोलारिटी होती है जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का होगा, प्रेजेंट होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब लेट से कि हमारे पास एक बीकर था, ठीक है, जिसमें हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर रखा है,
ठीक है, इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो मैंने 1 लीटर ले रखी है। अब इस 1 लीटर के वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से समझना, जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट और वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर के वॉल्यूम में, एक स्टैंडर्ड 1 लीटर होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट और उसके वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर का मैं रेशियो ले लूंगा, मैं डिवाइड कर लूंगा दोनों को, सो जो टर्मिनोलॉजी मुझे मिलेगी सॉल्यूशन के अंदर उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। सो मोलैरिटी बेसिकली क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। क्या बात है, समझ गए? आइए लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। क्या बोला मैंने? इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसके डेफिनेशन वाइज देखूं तो ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा सर जी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के अपॉन, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये है आपकी मोलैरिटी, सिंपल सा मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ठीक है जी, कैपिटल एम। यूनिट, अगर मैं यूनिट ऑफ मोलैरिटी की बात करूं तो क्या होगी भाई? ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स यूनिट सिंपल है सर, मोल, और नीचे क्या है? लीटर। सो यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर, ठीक है, या फिर इसी को मोल ऐसे लीटर इनवर्ड्स भी लिखा जाता है। ये है आपकी यूनिट, किसकी? मोलैरिटी की। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा समझिए मोलैरिटी का असली मतलब, समझिए, पढ़ना सीखिए। देखो कंसंट्रेशन टर्म अपने आप में आसान टर्म है, बस आप पढ़ना सीख गए ना तो एक बार सब कुछ खत्म खेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि 2 मोलर NaCl, 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब यह है कि 2 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात है सर, अब तो पढ़ लेंगे आज से। मतलब 2 मोलर NaCl कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने हैं? 2 है, और कितने प्रेजेंट हैं? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। अच्छा एक और चीज, अगर मोलैरिटी को मान लो मिलीलीटर के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो बताओ, मैं तुम सबसे पूछता हूं, अगर मान लो कि लीटर को छोड़ के मिलीलीटर में कन्वर्ट वो कर दिया तो, पूछ दिया तो फार्मूला क्या बनाओगे? तुम ही लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल सी चीज है, आप ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं देखता हूं सबका चैट, ठीक है, तुम सब बताओ मेरे को। अगर मान लो लीटर में ना एक्सप्रेस करके कभी मिलीलीटर में एक्सप्रेस करें तो, वॉल्यूम मान लो मिलीलीटर में दिया हो तो क्या होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला? बोलो। बताओ भाई, इनटू 100, वाह 100, हंड्रेड होगा इंटू 1000, यस। तो अगर मैं मान लो मिलीलीटर में एक्सप्रेस करूं तो ऊपर तो सर नंबर ऑफ मोल्स तो ठीक है, नीचे क्या होगा? लीटर, लेकिन लीटर क्या हो गया? 1000, इट मींस अगर मैं 1 लीटर बोलूं तो 1/1000 हो जाएगा मिलीलीटर, तो 1000 चल जाएगा ऊपर, तो डायरेक्टली आप याद कर लीजिए मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000। ये किसके लिए है? जब वॉल्यूम जो हो
ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं, वॉल्यूम इज इन ml। तो सवाल कुछ ही पूछ सकता है ना यार, हम पढ़े तो हैं कि मोलैरिटी स्टैंडर्ड लीटर के लिए डिफाइन होती है, लेकिन अगर ml में कर दे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे भाई। ठीक है ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझिए थोड़ा सा। मोलैरिटी को एक और फॉर्मूले से लिखा जाता है और वो ये है। अभी ऊपर देखो क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूं कि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अच्छा ये बताओ, शुरुआत में जब हमने क्या पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो याद करो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? अरे एन कैसे निकालते थे, एन लिखते थे इसको, अरे गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे हाँ सर पढ़े थे, याद है। अब सोचो कि इस चैप्टर में मैंने क्या बताया कि जब भी आप सॉल्यूट, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है ना भाई। देखो किसका मोल लेना है मोलैरिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है। तो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में जब भी आप सॉल्यूट का नाम लेंगे आप उसको बी से डिनोट करेंगे, किससे, बी से। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि ऊपर अगर मैं एन बी इसको लिख दूं मतलब सॉल्यूट, तो गिवन मास, गिवन मास को मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास को मैं कैपिटल एम बी लिख दूं। ओके, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो है फॉर्मूला, अगर ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल्स और नीचे क्या है वॉल्यूम, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मतलब मास, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये होता है। अब ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है उसे क्या लिख दो, उसे लिख दो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे क्या है वॉल्यूम, जो क्या होगी लीटर में होगी। क्या बात है सर, तो ये भी फॉर्मूला एक हो सकता है आपके लिए। और अगर यही तुम्हारा क्या हो, लीटर में ना हो कि मिलीलीटर में हो, तो कुछ नहीं सर, ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे आपका एमबी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सो ये देखो कितने सारे फॉर्मूले बन गए, अब कितने सारे फॉर्मूले बन गए मोलारिटी के। समझ आई मोलारिटी सबको, कहीं डाउट वाउट है, कहीं डाउट वाउट है? हाँ, हमेशा सॉल्यूशन होगा नीचे, ये समझ लो, नीचे हमेशा सॉल्यूशन होगा। कहीं डाउट वाउट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑल डाउट क्लियर, क्लियर। समझ आ रहा है मोल मलाइटी ये सब समझ आ रहा है सबको? सर आपके अच्छा फोटो के पीछे नोट डाउन हो गया क्या? ओ शिट शिट शिट, ओके छिप गया क्या सारा मैक्सिमम कुछ? ओ फिर से लाइट गई, अभी ज्यादा नहीं छिपा है ना, मैं ध्यान नहीं दिया, अभी ज्यादा नहीं छिपा है ना, कुछ तो दिख रहा है पीछे। अभी देख लो, यहां देख लो, अगर इसमें इसमें दिख रहा है डब्ल्यू बी अपॉन एन ए, कहा गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मैंने लिखा है इधर। ठीक है, तो अगर अब देखो नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली मैं अलग साइड लिखूंगा, ठीक है डोंट वरी। अभी अगर छिप गया है तो ठीक है, ठीक है। एन बी, अरे एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में जब भी सॉल्यूट की बात होगी तो हम उसको बी से डिनोट करते हैं, ये एक कन्वेंशन है। ठीक है, तो अभी से आदत डाल लो ताकि कभी आगे अगर मैं यूज करूंगा बी तो समझ आना कि वो सॉल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही ऊपर होता है ना, मोलैरिटी में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ऊपर। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को पहले साइड में अलग से निकाल दिया। सो एन बी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। तो सिमिलरली अगर मैं बी से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो एन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, जहां डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है वेट कह लो या गिवन मास कह लो, और एम बी क्या है मोलार मास कह लो, किसका, सॉल्यूट का। अब ठीक है, ओके ओके, ये छिप गया था, सॉरी छिप गया था, तो अभी देख लो। ठीक है ठीक है, वो मैं ध्यान नहीं दिया, गलती से लिख दिया साइड में। ठीक है, मैं जनरली लिखता नहीं हूं बट अभी लिख दिया। ठीक है क्लियर, क्लियर है बच्चा लोग, जल्दी बताओ क्लियर है, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स एक बार दे दो फटाक से। चलिए सबको क्लियर है,
एवरीबडी एवरीबडी, सबको क्लियर है, नया पुराना जो भी आया हो। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये बातें थी हमारी किसकी, मोल मोलारिटी, मतलब बेसिकली मोलारिटी की। अब देखो इसी मोलारिटी में आगे हमने तो सबने देख लिया, ठीक है। अच्छा अगर मान लो इसी में मोल्स ऑफ सोल्यूट का भी निकालने को क्या दे, तो आप फॉर्मूला तो हमने देख लिया, क्या देखा सर कि जो आपकी मोलारिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अब मान लो नंबर ऑफ मोल्स बोले तो यहीं से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ सर, किसमें, लीटर में सर जी, किसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछे तो कुछ नहीं करना है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कर दीजिएगा। अच्छा अब एक और चीज कंफ्यूज न होने का, कई बार नंबर ऑफ मिली मोल्स कहता है, क्या बोलता है, कहता है नम फाइंड आउट नंबर ऑफ मिली मोल्स, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कुछ नहीं, देखो जब भी नंबर ऑफ मिली मोल्स कहे, ये मिली है, ठीक है, फिर से लिखता हूं, जब भी आपसे सवाल में जिक्र हो मिली मोल का, अरे सही से लिख जा भाई, तो मिली मोल में कुछ नहीं करेंगे, मोलारिटी तो सेम रहेगी, बस आप जो वॉल्यूम लिखोगे ना बस उसको ml में डाल देना, क्यों भाई, क्योंकि वॉल्यूम जहां ml में होगी तो 10^3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ये मिली मोल्स हो जाएगा। तो जब भी नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोले तो आप मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम ऊपर तो लीटर में लिखना जब मोल्स पूछे तो, लेकिन जब मिली मोल्स पूछे तो वॉल्यूम हमेशा ml में रखना, यही मैं तुमको समझाना चाहता था, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो एक और चीज समझिए, क्या, एक टेबल बनाइए मेरे साथ, टेबल बनाइए, एक क्यों टेबल बनाइए, देखो शॉर्ट में समझाता हूँ, समय नहीं, समय नहीं बर्बाद नहीं करेंगे समय, ठीक है, आई थॉट इतना ठीक है। इस टेबल में कुछ चीजें नोट करिए, क्या, जब भी आपसे सेमी मोलर कहे, मतलब सेमी मोलारिटी को शॉर्ट में सेमी मोलर कहा जाता है, जब भी आपसे कहे फाइंड आउट सेमी मोलर, तो आप मोलारिटी निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इट मीन्स ये 0.5 मोल हो जाएगा, यानी सेमी मोलर का है तो आप मोलारिटी निकालिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब भी आपसे डेसी मोलर का है निकालने को तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, इट मीन्स ये 0.1 मोलर हो जाएगा, मतलब 0.1 को मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी आपसे सेंटी मोलर का है तो शॉर्ट में दे रहा हूं समझ लो, एम अपॉन 100 कर देना, ये 0.01 हो जाएगा। और जब जब भी आपसे मिली मोलर निकालने के लिए कहे, शॉर्ट में मोलारिटी को मोलर लिखता है, तो मिली मोलर में आप हमेशा मोलारिटी को 1000 से डिवाइड कर देना, ये 0.001 मोलर हो जाएगा। बस ये टेबल जरूर याद रखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या बोले, मैंने सेमी मोलर के लिए मोलारिटी को 2 से डिवाइड कर देना, या फिर नहीं मन तो 0.5 × मोलारिटी कर देना। डेसिमल में पूछे मतलब m/10, 0.1, ये बाद की यूनिट में पूछता है, ठीक है। मोलारिटी तो आप फॉर्मूले से निकालोगे, मोलारिटी कोई मेन फॉर्मूला बदला नहीं है, मोलारिटी का वही फॉर्मूला है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। लेकिन जब सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर या मिली मोलर आते हैं तो कंफ्यूज मत होना, सेमी मोलर मतलब m/2, डेसी मोलर मतलब m/10, सेंटी मोलर मतलब m/100, और मिली मोलर पूछे मतलब m/1000। शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक की तरह इस चीज को ले लो। हाँ, तुम लोगों के लिए सब निचोड़ के कंटेंट लाना पड़ता है, ठीक है, मेरे अपने भी नोट्स हैं जो मैं पहले पढ़ा था जेई के टाइम, उसका भी इस्तेमाल करता हूँ मैं, ठीक है, तो सब ले लो, ठीक है, ले लो सब, ले लो मेरे, सब ले लो, ठीक है, समझ आया, बोलिए, समझ आया, डेप्थ में पढ़ रहे हैं ना हम, कंप्लीट पढ़ रहे हैं, इसीलिए डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ढंग से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट वाउट नहीं है ना, अरे भाई लोग बताओ, नहीं, चलो चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो देखो देखो, अभी भी मोलारिटी खत्म नहीं हुआ है, कई बार क्या करता है ना, डाइल्यूशन पे सवाल पूछता है, क्या बोले मैंने, एक सेकेंड,
डाइल्यूशन पे सवाल पूछता है। देखो डाइल्यूशन पे सवाल कैसे पूछता है समझाओ। देखो क्या करता है, मोलारिटी ऑफ, इसको बोलते हैं मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। समझो समझो आओ, इन डेप्थ निचोड़ के पढ़ेंगे मोलारिटी को पूरा। मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, ये क्या, ये क्या, ये नया नया फंडा क्या आ गया समझो। देखो देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, डाइल्यूट करना, कंसंट्रेटेड वॉल्यूम डाइल्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक बीकर था, सबको मैं एक बीकर की एग्जाम्पल से समझाता हूँ तुमको, ठीक है, विजुलाइज करो थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ मान लो इसमें हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों डाल रखे थे, ठीक है, ठीक है। लेट्स से इसका कुछ वॉल्यूम होगा वी वन, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो तैयार किया, तो मान लो यहाँ तक वो सॉल्यूशन भरा है, तो इसके कुछ वॉल्यूम है वी वन, ठीक है, ठीक। अब समझो, अब जैसे ही मैंने क्या किया, इसमें बाहर से पानी एडिशन किया, किसका, वाटर का एडिशन किया, किसका, वाटर का। तो जैसे ही मैंने पानी डाला, डाइल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अब आप जैसे ही डाइल्यूट करोगे, तो यही बीकर मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, तो इस बीकर में क्या होगा ये बताओ। जब डाइल्यूट करते हो, इट मीन्स पानी को ऐड करते हो, और जब पानी को ऐड करते हो, तो ये सोल्यूशन का जो लेवल है वो मान लो ऐसे बढ़ गया। अब जब सोल्यूशन का लेवल बढ़ गया, इट मीन्स क्या बढ़ा, पहले वॉल्यूम अगर वी वन था सर, तो बाद में वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, बदल जाएगी, वी टू हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी बोलो। हाँ सर, ये तो ठीक बोले आप। मान लो कि ये कोई सोल्यूशन है जिसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पड़ा था पहले, एक बार और समझा देता हूँ। और मान लो मैंने V1 वॉल्यूम का सॉल्यूशन बना रखा था, अब जैसे ही मैंने पानी को ऐड किया, तो सॉल्यूशन का लेवल क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, V2 हो जाएगा। हाँ सर, सिंपल चीज है, सबको पता ही है। तो अब लेट्स से कि पहले अगर मोलारिटी मान लो M1 है, सो क्या बाद में मोलारिटी भी M1 रहेगी या मोलारिटी बदलेगी, मेरे को ये समझाओ पहले तुम लोग। समझाओ, अगर पहले मोलारिटी मान लो M1 है, मान लो मैंने कुछ पहले उसकी कुछ मोलारिटी है लैग, अरे तुम लोग का नेटवर्क खराब रहता है, तुम लोग का लैग होता है, मेरा कैसे लैग होगा यार, सच में लैग हो रहा है क्या? तो मैं देखने आया था कि एंगेजमेंट है कि नहीं, लैग ऐसे कैसे कह सकते हो यार, लैग तो नहीं होना चाहिए। लैग चेंज होगी, बिल्कुल होगी, क्यों, क्योंकि यार मोलारिटी डिपेंड करती है किस पे, वॉल्यूम पे। तो इट मीन्स अगर पहले मोलारिटी M1 थी, तो बाद में मोलारिटी M2 हो जाएगी। लेकिन 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 ध्यान से समझो, हमने पानी को ऐड किया है, मतलब हमने सॉल्वेंट को बदला है, सॉल्यूट को तो नहीं बदला ना। अगर मान लो मैं एक शुगर सॉल्यूशन बनाता, तो शुरुआत में जितनी चीनी डालता, मैंने चीनी तो उतनी डाली है, बस मैंने पानी को ऐड किया है, इट मीन्स मैंने सॉल्वेंट को बदला है। और जब सॉल्वेंट को बदला है, तो वॉल्यूम बदल जाएगा, और वॉल्यूम भी बदलेगा मतलब मोलारिटी बदल जाएगी। लेकिन चेंज क्या नहीं होगा, कांस्टेंट क्या रहेगा सर जी, सॉल्यूट कांस्टेंट रहेगा। अरे सॉल्यूट थोड़े बदलेगा, हमने तो पानी ऐड किया है, हमने सॉल्यूट का मात्रा थोड़े बढ़ाया। अगर मैं ये शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेता मान लो, तो मैंने शुगर जितनी डाली थी, शुगर भी अभी भी वही है, बस वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब कि सॉल्वेंट बढ़ गया, एडिशन ऑफ वाटर मतलब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट। तो चेंज क्या चीज नहीं होगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर, मोलारिटी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल होगी सर। लेकिन जो सॉल्यूट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, क्या वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कभी बदलेगा जी, नहीं बदलेगा। मतलब एक चीज यही मैं तुमको समझाना चाहता था कि डाइल्यूशन में वॉल्यूम बदल जाता है, मोलारिटी बदल जाती है, लेकिन सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट का मोल्स नहीं बदलता है। अब इस केस में मोलारिटी को एक्सप्रेस करने का एक खास रिलेशन होता है, वही रिलेशन मैं तुमको समझाना चाहता था, इस पूरे का मोटिव यही है। क्या है मोटिव समझो, अब जैसे कि मैं क्या बोला कि जितना मैंने सॉल्यूट को डाला है वही सॉल्यूट रहेगा, तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे भी पढ़ा हमने क्या सर जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ का सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। अब अगर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होती है, एक मिनट कहाँ, यस कहाँ गया, हाँ जी, अब अगर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होती है, थोड़ा ध्यान से समझो, अगर मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन लिखो, तो बोलो, तो अगर डाइल्यूशन से पहले, मतलब ये फर्स्ट केस मान लो और ये सेकंड केस मान लो, तो अभी मैं केस वन के लिए लिख रहा हूँ, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन लिखूँ, तो क्या लिखूंगा, M1 V1,
बिल्कुल सर। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे जरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिल्यूशन बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिल्यूशन, तो कहोगे बिल्कुल है, सिंपल है सर। क्या डिल्यूशन के बाद क्या हो गया, एम टू मोलारिटी हो गई और वी टू वॉल्यूम हो गया, तो मैं इसको एम टू वी टू लिख दूं। अभी ये बताओ क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन क्या सेम रहेगा? अरे सर बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्वेंट ऐड किया है। डाइल्यूशन से पहले जितना मोल ऑफ सॉल्यूट था, डाइल्यूशन के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम है सर। मतलब इस केस में अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्यूट की मात्रा नहीं बदल रही है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, इट मींस जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले था डाइल्यूशन के, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन भी होगा। तो मैं इस चीज को एक रिलेशन से आगे कैसे लिख सकता हूं बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू, बराबर होगा, बिल्कुल होगा भाई बराबर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट तो फर सॉल्यूट में तो हमने छेड़छाड़ नहीं की, हमने तो सॉल्वेंट को बदला है। आफ्टर डाइल्यूशन सेम होगा, और अगर ये दोनों सेम होगा, इट मींस मैं मोलारिटी और वॉल्यूम के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बिफोर सॉल्यूशन कितना है, एम वन वी वन, आफ्टर सॉल्यूशन कितना है, एम टू वी टू। तो क्या मैं इस चीज को एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू लिख सकता हूँ? अरे सर बिल्कुल, और स्टार मार्क कर लो, 3 स्टार दे रहा हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो यही था रिलेशन बिटवीन तुम्हारा क्या, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन। समझ आया? अरे सॉल्यूट को क्यों ऐड करोगे भाई, डाइल्यूशन कहा गया है वहां, डाइल्यूशन का मतलब सिर्फ पानी का एडिशन होता है, कथा कहीं का सॉल्यूट क्यों ऐड करेगा तुम? डाइल्यूशन का सिंपल मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर है। डाइल्यूशन का सिंपल मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। सॉल्यूट को भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो यार। हमने मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन दे लिखा है, यहाँ टॉपिक का नाम है मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो सेम रहेंगे, उनमें चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा, चेंज होगी उसकी मोलारिटी, उसका वॉल्यूम। क्लियर है? क्लियर है? अरे यार इतना मस्त पढ़ा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, लग रहा है कि तुम एकदम आलस आलस है तुम लोग को, ऐसे बैठे हुए हो बस, बीच में लाइट भी 2 दफा बग गई फिर भी मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। क्लियर है सबको? अरे थोड़ी तो एनर्जी लाओ भाई, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देने में थोड़ा तेज रहो है? चलो ठीक है। सो ये रिलेशन हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या भाई, एम वन बी वन और एम टू बी टू वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मोलारिटी में एक और चीज आती है आगे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो नोट मारो, नोट मारो भैया, नोट मारो, नोट मारो। क्या? देखो मोलारिटी ऑफ अ मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ अ मिक्सचर, अब देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा समझो थोड़ा ध्यान से। देखो इसमें होता क्या है कि कई बार दो मिक्सचर लाते हैं, है ना, एक दो डिफरेंट वॉल्यूम पे डिफरेंट मोलारिटी के दो मिक्सचर हुए और उन दोनों को मैंने मिला के एक फाइनल मिक्सचर बनाया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ हमारे पास ये बीकर है, कंटेनर कह लो, बीकर कह लो, ठीक है, साथ में एक और बीकर हमने लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि इसमें वॉल्यूम है कुछ, इसकी मोलारिटी है एम वन, इसकी मोलारिटी है वी वन। सिमिलरली दूसरा कंटेनर है, इसमें थोड़ी वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू, दोनों सोल्यूशन दोनों मिक्सचर है, सो इसकी मोलारिटी है एम टू और इसकी वॉल्यूम है वी टू, ठीक है। इन दोनों को मैंने एक साथ मिला दिया, मिक्स कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। सो जो इसके बाद हमारा एक फाइनल मिक्सचर तैयार होगा उसकी मोलारिटी क्या होगी, बेसिकली वो इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। मतलब मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर,
मतलब जब हम दो डिफरेंट क्या दो डिफरेंट मोलारिटी को एट डिफरेंट वॉल्यूम, दो डिफरेंट सॉल्यूशन को एट डिफरेंट मोलारिटी या डिफरेंट वॉल्यूम जब ऐड करते हैं, सो फाइनल मोलारिटी क्या होती है, वही चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। सो मान लो कि ये जो फाइनल मोलारिटी है ये कुछ ऐसी हो गई, फाइनल फाइनल जो हमारा बीकर है उसके अंदर जो सोल्यूशन बना, जो मिक्सचर बना, सोल्यूशन कह लो मिक्सचर कर लो कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ ऐसा बना, ठीक है। अब सोचो, ठीक है, अब इसकी मोलारिटी को मैं मान लो ऐसे कहता हूँ एम फाइनल, एम एफ से डिनोट करता हूँ, इसकी फाइनल मोलारिटी है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप ध्यान से समझो, मैंने मोलारिटी को तो एम फाइनल लिख दिया, लेकिन वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, थोड़ा ये समझना ध्यान से। जब भी आप क्या करते हैं, दो डिफरेंट मिक्सचर लाते हैं एट डिफरेंट मोलारिटी एट डिफरेंट वॉल्यूम, सो होता क्या है कि उनका जो वॉल्यूम है वो एडिटिव नेचर को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब ये है कि इस केस में आप पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लें, ठीक है, ये मान लो पहले का है। इस केस में भी आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लें, सेकेंड केस का है, और इस केस में भी आप क्या लिख लें, मोल्स नंबर ऑफ, मैं बताता हूं, टेंशन ना को करने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लें, कौन सा, केस नंबर 3, इट मींस फाइनल सॉल्यूशन का। ये हमारा सॉल्यूशन 1 था, ये हमारा सॉल्यूशन 2 था, दिस सॉल्यूशन 1, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना, किसको मिला के, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 मिला के। अब सेम चीज मैंने क्या बताई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा याद रख लो एडिटिव नेचर को फॉलो करता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन। इट मींस, कहां गया भाई, उठाइए इसको यहां से, इसको हटाइए और मेरे साथ लिखिए, क्या लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 प्लस, सारे मोल्स को जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अब सोचो, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, यानी पैरेलल मोलारिटी इनटू V1, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ M1V1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सेकेंड सॉल्यूशन में मोलारिटी क्या है, M2, अगली है V2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, M2V2, और थर्ड वाले में मैंने फाइनल मोलारिटी को MF लिख दिया, फाइनल मोलारिटी को MF लिख दिया। अब अगर इसको मैं MF लिख दिया तो मुझे बताओ इसमें वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब भी दो मिक्सचर को आप ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, अरे यार खुद एक बार दिमाग से सोचो, मान लो एक कंटेनर है जिसमें इतना पानी है, दूसरा कंटेनर है जिसमें इतना पानी है, तो अगर बड़ा ऐसा कंटेनर में दोनों को भरोगे तो दोनों दोनों क्या होगा, दोनों के ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों ऐड हो जाएंगे, ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। इट मींस वही चीज यहां लगानी है, अगर पहले में वॉल्यूम V1 है, दूसरे में वॉल्यूम V2 है, सो जो फाइनल वॉल्यूम पता है क्या होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ओके, तो फाइनल मोलारिटी MF क्या हो जाएगी पता है, M1V1 प्लस M2V2, कैपिटल M लिख रहा हूँ, स्मॉल M नहीं, समझना ध्यान से, और नीचे क्या हो जाएगी, MF है, तो V1 प्लस V2 अगर मैं नीचे भेज दूँ, सो ये फाइनल मोलारिटी के बराबर हो जाएगी। सो यही होती है मिक्सचर की मोलारिटी। तो जब भी ऐसा कोई सवाल दे जिसमें दो डिफरेंट मोलारिटी, दो डिफरेंट वॉल्यूम के मिक्सचर मिक्स होके, या फिर आपसे टोटल मोलारिटी या फाइनल मोलारिटी पूछे, तो आप फार्मूला क्या यूज करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, जहां V1 प्लस V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, या फिर टोटल वॉल्यूम कह लीजिए। क्लियर, क्लियर, दोनों का सम, क्लियर। ओह थक गया मैं यार, क्लियर हो गया, बताओ। क्लियर है, क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। ओके,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को हैंड रेज मत करो यार। जिसको जो भी लिखना है वो यहाँ लिख दे, ठीक है? जिसको जो भी लिखना है वो यहाँ लिख दे यार। ऐसे हैंड रेज करोगे मुझे सुनाई नहीं देगा, ठीक है? कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो, खैर समय तो हो चुका है, बट कोई बात नहीं, एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लूँ। आज जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म हो गया वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया बहुत ढंग से, ठीक है? मोलालिटी एक छोटा सा टर्म है, ठीक है? कन्फ्यूज ना को होने का, मोलालिटी पढ़ लियो तो मोलालिटी बहुत आसान से समझ में आ जाएगी। मोलालिटी बोल रहा हूँ मैं, नहीं मोलालिटी, नहीं मोलालिटी, तो समझो थोड़ा। अगला कंसंट्रेशन टर्म जिसको बोलते हैं मोलालिटी, देखो मोलालिटी और मोलालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है। क्या है? पहली चीज़, उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे, मैंने यहाँ मोलालिटी लिखी है, MOL, वहाँ मोलारिटी लिखी थी, ठीक है? तो कन्फ्यूज नहीं होने का नाम से, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। देखो मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमने ऊपर क्या किया था, वहाँ भी मैंने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लिखा था। यहाँ होता क्या है, जो मोलालिटी होती है उसमें ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही रहेगा, लेकिन नीचे जो है वो वेट आ जाता है पिक्चर में। मतलब वेट ऑफ द सोल्यूशन, ध्यान से समझो, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, एक ही चीज का डिफरेंस है यहां। इन केजी, अब देखो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होता है यहीं से। क्यों? क्योंकि अभी तक जितना हम पढ़ते आए थे ना सर, नीचे हमेशा सब में सॉल्यूशन हुआ करता था। जैसे मोल फ्रैक्शन पढ़ा तो भी नीचे सॉल्यूशन, वो वेट बाई वेट परसेंट पढ़ा, मास बाई वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट पढ़ा तो नीचे सोल्यूशन, मोलारिटी पढ़ी तो भी नीचे सोल्यूशन, लेकिन मोलालिटी में जैसे ही हम पढ़ते हैं ना, तो ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही रहता है, लेकिन नीचे डिवाइड में क्या आ जाता है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पिक्चर आएगा, सॉल्वेंट जो है वो पिक्चर में आ गया, अब सॉल्यूशन से फर्क नहीं पड़ेगा, अब सॉल्वेंट देखना है। और उसके साथ साथ एक और चीज लगी हुई है, इन केजी, क्या लिखा है, इन केजी। तो मोलालिटी सिंपल सी चीज क्या है, रेशियो है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो लिख लो एक डेफिनेशन इसका, कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी, वेट कह लो मास कह लो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ द सॉल्वेंट, और इन्हीं दोनों के रेशियो को हम कहते हैं मोलालिटी, जिसको डिनोट किसे करते हैं, स्मॉल एम से। मतलब ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा सर, लेकिन नीचे सॉल्वेंट लेंगे, कंफ्यूज ना होने का, नीचे क्या लेंगे, सॉल्वेंट, और उसका वेट लेंगे केजी में। तो मोलालिटी का सिंपल फॉर्मूला अगर डिनोट करूं तो मैं फिर से कहता हूं, सॉल्यूट को अगर मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो NB अपॉन WB, केजी में लेंगे हम, WB नहीं WA, क्यों? क्योंकि अगर बी को मैं सॉल्यूट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो सॉल्वेंट पक्का हमारा ए होगा, ठीक है? सो NB अपॉन WA, जहां मैं लिख भी देता हूं, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और WB क्या है, WA क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट है। किसमें, इन केजी में, ठीक है? अब यूनिट तुमसे पूछू तो, अरे सर सिंपल 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 सिंपल, एक लास्ट पेज और, ज्यादा कुछ है नहीं अब, ठीक है? जल्दी से छोड़ता हूँ, डोंट वरी, ठीक है? यूनिट अगर मैं तुमसे कहूं तो यूनिट यूनिट की बातें सिंपल तो है सर, अगर यूनिट पूछोगे तो ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मतलब ऊपर तो मोल हो गया, नीचे केजी, इट मींस मोल पर केजी, क्या हो गया, मोल पर केजी। या फिर इसी को मोल केजी इनवर्स, या फिर इसी को
मोलल भी कहते हैं, मोलल, जैसे वहां उसको मोलर कहते थे ना, मोलर यूनिट, वैसे इसको मोलल कहते हैं, ठीक है। सो लेकिन ये होगा आगे स्मॉल एम लगा होगा, समझ जाना। कैपिटल एम का मतलब मोलारिटी, स्मॉल एम का मतलब मोलालिटी। अब अगर वही चीज, थोड़ा सा और दे दो समय, अगर वही चीज मैं तुमसे कहूं कि अगर मेरे को मोलारिटी बताओ, मोलालिटी बताओ इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो अगेन देखो क्या होगा, वेट तो है नीचे लेकिन क्या है, केजी में दिया है ना, तो ग्राम के लिए क्या होगा, मुझे समझाओ थोड़ा सा। ग्राम के लिए क्या होगा, अगेन 1000 डिवाइड करोगे तो 1000 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। सॉल्वेंट अगर कभी ग्राम में आ जाए सो ऊपर आ जाएगा 1000 वाला टर्मिनोलॉजी। सो ये है स्मॉल, ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। और अगर इसके यूनिट पूछे तो मोल पर ग्राम हो जाएगा या फिर मोल ग्राम इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, आई थॉट ये चीजें सबको क्लियर हो गई अब तो। मोल मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, फिर वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है सर। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी एक्सप्लेन। देखो इस चीज में एन फैक्टर का भी एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है, ठीक है। तो जब वैन डॉर्फ फैक्टर पढ़ाऊंगा ना वहां, तो मैं तुमको ये चीज समझाऊंगा, क्योंकि रिलेशन बिटवीन मोलालिटी होती है मोलालिटी इंटू एन फैक्टर। तो वो एन फैक्टर वाला जो टर्म है ना, वो अभी नहीं समझा सकता, क्यों, क्योंकि एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। तो जब आई पढ़ेंगे वैंट हॉफ फैक्टर इसी चैप्टर में, चिंता ना करो लास्ट में, तो मैं वहां तुमको एक रिलेशन समझाऊंगा इसी के बीच, मोलालिटी और मोलालिटी के बीच, ठीक है। डोंट वरी, चिंता ना करो, मुझे सब याद रहता है, ठीक है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं, ठीक। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। डीपीपी कब से मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, ये चीज मुझे वो टीम से बात करनी पड़ेगी, बस सर से मैं बात करता हूँ कि सर बच्चे डीपी का डिमांड कर रहे हैं सॉल्व सॉल्व करने वाली, ठीक है। तो जैसे ही मुझे मिलती है मैं आपको वो चीज देता हूँ, ठीक है। नॉर्मलिटी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉर्मलिटी में तुमको ग्राम इक्विवेलेंट मास वगैरह, चलो कहोगे तो कल पढ़ा दूंगा नॉर्मलिटी, ठीक है। वरना नॉर्मलिटी मैं सोचा था कि जब इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो फराडे लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ इक्विवेलेंट वेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी में वहाँ समझाने का सोचा था, वैसे अगर कहोगे तो मैं कल नॉर्मलिटी पढ़ा दूंगा तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मलिटी नहीं, अभी नॉर्मलिटी छोड़ना चाहते हो, वैसे नॉर्मलिटी भी जनरली पढ़ाया भी नहीं जाता है, ठीक है। वो वही टाइम अगर मैं सही सही तरीके देखे तो उसी टाइम जब इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो उस टाइम भी उसका यूज होता है, बट अभी कहोगे तो मैं नॉर्मलिटी भी कल करा दूंगा, ठीक है। राउंड लापर क्वेश्चन आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, चलो फिर ठीक है, आज के सेशन को यही एंड करते हैं, ठीक है, मिलेंगे आप सभी से कल।